Morning, dear students. So, class, after last try 2, there is a topic limericks. आपकी book में last try 2 के बाद एक point दिया गया है, topic दिया गया है limericks. So, today we will discuss about the limericks. हम लोगों ने last weekend portion में भी पढ़ा था limericks के बारे में, limericks क्या होता है. तो, limericks a kind of poem. Limerick एक poem का ही kind है. तो, उसके बारे में ही आज हम फिर से पढ़ेंगे. So, today's question is what is limericks? आज का हमारा इस topic से related question है कि limerick क्या है? So let's start now. शुरू करते हैं हम लोग. Limerick is a 5 lines poem that consists of a single stanza with the rhyming scheme. तो बेटा जो limerick होती है ये एक मैं जैसे कि बताया आप लोगों को poem का ही type है, एक poem ही होती है और इसमें 5 lines होती हैं. That consists of a single stanza, ये एक single stanza में ही होती है with the rhyming scheme और इसमें rhyme scheme भी होते हैं. Means last के जो word होते हैं वो rhyme करते हुए होंगे, okay? And the rhyme scheme is AA, BB, A. तो means AA, last word is rhyme and BB, rhyme word and last. First, second and fifth will rhyme and third and fourth will rhyme, okay? To now, Steps to making a limerick. अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई limerick बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, how we create, हम किस तरीके से बनाएंगे. तो यहाँ पर steps दिए गए हैं आपकी book में, so हम लोग वही read करते हैं. Steps to making a limerick. A limerick has 5 lines. जैसे कि आप सभी लोगों को ये बात clear हो चुकी है कि limericks में 5 lines होती हैं. The words at the end of the first, सेकेंड एंड फिफ्थ. जैसे कि अभी मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड, राइम स्कीम क्या थी आपकी, ए ए बी बी ए. तो मतलब ए ए मतलब फर्स्ट और सेकेंड, बी वी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, फिर से ए आ गया, ए ए बी बी ए, यही आपकी राइम स्कीम थी. तो वही यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइन मस्ट राइम. ये लाइन्स के जो लास्ट वर्ड होंगे वो एक दूसरे से राइम खाते हुए होने चाहिए. तो कान जिसमें एक दूसरे से लय के साथ तो कर रहे हो वो. एंड वर्ड्स एट द एंड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ मस्ट राइम. थर्ड और फोर्थ को, ये थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से राइम करेंगे, ओके. द फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ लाइंस ऑफ अ लिमेरिक आर यूजली लॉन्गर देन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स. तो लिमेरिक में ये भी बेटा होता है, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ लाइन्स थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग थोड़ी वो बड़ी भी हो सकते हैं. So come on the next page and you will read one by one. Line number one. Limerick usually start with the line there was once a. जो limerick होती है mostly इन्हीं words से start होती है. And then first line introducing the main character and place. और first line में जो main character होगा उसको हम introduce करेंगे या फिर place को introduce करेंगे. यहाँ पर उन्होंने एक word line बनाई है, there was once a tiger from Bengal. तो यहाँ पर इन्होंने प्लेस और करेक्टर दोनों को इंट्रोड्यूस किया हुआ है. नाउ लाइन नंबर टू, द सेकेंड लाइन टेल्स अस अबाउट द करेक्टर एंड इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी. रिमेंबर द लास्ट वर्ड शुड राइम विद द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन. आपको जैसे बता दिया गया है फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन और फिफ्थ लाइन के लास्ट वर्ड राइम होनी चाहिए. तो हु डिड नॉट लाइक हिज स्ट्राइप्स एट ऑल. तो बंगाल और ऑल ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं. And come on the line number three. The third line explains the idea of our story. It should be shorter than line one and two. ये one और two lines से short होगी. So he dyed his fur blue. तो third और fourth line से कि आपको मालूम है ये दोनों ही rhyme करेंगे. The last word at the end of the fourth line should rhyme with the last word of the third line. Third और fourth की line rhyme करेगी. But that looked terrible too. तो blue और टू, ब्लू और टू यहाँ पर राइम कर रहे हैं. एंड इन द फिफ्थ लाइन देयर इज सो द टाइगर सैट डाउन एंड गेव अ बिग वॉल. अब आप चेक करेंगे बंगाल, ऑल और वॉल ये तीनों ही राइम कर रहे हैं. फिफ्थ लाइन में आपका है शो द टाइगर, शो द टाइगर सैट डाउन, सैट down and gave a big ball, and gave a big ball, V A W L. तो आप देख रहे होंगे बंगाल, ऑल और वॉल ये
थर्ड लाइंस जो थ्री लाइंस थी एक दूसरे से रैम कर रहे हुए हैं और थर्ड और फोर्थ लाइंस रैम कर रही है। इन लेस्ट राई थ्री में आपको एक लिमेरिक पोएम राइट करनी है, तो आप लोग बेटा क्या करेंगे, ये जो लाइंस यहाँ पर दी गई हैं इन्हीं फाइव लाइंस को आप इकट्ठा करके वहाँ पर एक पोएम बना देंगे। फर्स्ट लाइन देयर वाज वंस अ टाइगर, इसको राइट करेंगे। सेकंड लाइन हु डिड नॉट लाइक हिज स्ट्राइप्स, इसको राइट करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइव जो मैंने आपको बता दिए, इस तरीके से आपकी एक लिमेरिक कंप्लीट हो जाएगी। यू ऑल विल कंप्लीट इन योर बुक, आप सभी लोग अपनी अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल एक्सप्लेन चैप्टर 10, अगले टॉपिक में मैं आपको चैप्टर 10 एक्सप्लेन करूँगी। एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द प्लेस वेयर लैंड एंड्स, सो यू ऑल विल रीड चैप्टर 10 एंड अंडरलाइन द हार्ड वर्ड टू, एंड यू ऑल विल कम्प्लीट न्यू वर्ड्स इन नोट्स। चैप्टर 10 के आप लोग न्यू वर्ड्स नोट में कम्प्लीट कर लेंगे और अंडरलाइन को हार्ड वर्ड करेंगे, अंडरलाइन किए हुए सॉरी अंडर हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। सो आई एम अगेन विथ यू, मैं आप लोगों के साथ में रहूँगी टू टेक द न्यू टॉपिक, नए टॉपिक के साथ में। जब तक आप लोग कंप्लीट हो वर्क एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग भी आपकी साफ और अच्छी होनी चाहिए। आई विल अगेन विथ यू, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।